आज हम आपको सिखा रहे हैं मसाला पापड़। मसाला पापड़ बनाने के लिए चाहिए एक पापड़, एक छोटा टमाटर महीन कटा हुआ, एक उबला हुआ आलू महीन कटा हुआ, एक छोटे पीस खीरा महीन कटा हुआ, एक छोटा प्याज महीन कटा हुआ, एक टेबल स्पून महीन कटी हुई धनिया पत्ती, एक हरी मिर्च महीन कटी हुई, प्याज के लच्छे, नींबू, काला नमक, चाट मसाला। और इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। गैस पर तवा रखेंगे और उसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून सरसों का तेल, सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो इस तरह से हम करछुल से इसको चारों तरफ फैला देंगे। और इसमें हम डालेंगे पापड़ और उसको इस तरह से दबाते हुए सेकेंगे और थोड़ा तेल ऊपर से भी डाल देंगे और इसे हम पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इस तरह से सेक लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह बिल्कुल सिक गया है, गैस को बंद कर देंगे। पापड़ को प्लेट में इस तरह निकाल कर रख लेंगे। अब इसको ऊपर से सब हम डालेंगे। सबसे पहले महीन कटे हुए आलू में हम थोड़ा काला नमक मिला देंगे इस तरह से। काला नमक मिला दिया, इस ऐसे इसमें फैलाते हुए हम आलू लगाएंगे। अब लगाएंगे इस पे महीन कटा हुआ टमाटर। अब लगाएंगे महीन कटा हुआ खीरा। इसके ऊपर डालेंगे महीन कटी हुई प्याज। अब डालेंगे महीन कटा हुआ हरा धनिया पत्ती, महीन कटी हुई हरी मिर्च, नींबू का रस एक टेबल स्पून, लगभग आधा नींबू का रस मैंने डाला है, एक टेबल स्पून आप डालिए नींबू का रस। थोड़ा इस पे डालेंगे इस तरह से चाट मसाला। अब इसके ऊपर प्याज के लच्छे इस तरह से लगा देंगे। मसाला पापड़ बनकर तैयार है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।